दोस्तों, अगर आपका YouTube में चैनल है और आप भी YouTube पर लॉन्ग या शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। हम जब भी अपने YouTube पर लॉन्ग या शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं तो हम उसे बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और वीडियो को अपलोड करने के बाद उसमें टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, इन चीज़ों को ऐड करते हैं जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। लेकिन हम वीडियो तो अपलोड कर देते हैं, वीडियो से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए हमारे पास YT स्टूडियो ऐप होना चाहिए। इस ऐप से हम अपनी वीडियो से रिलेटेड वो सभी जानकारियां, जैसे हमारे वीडियोस में कितने व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हमारे चैनल पर आए, ये हम जान सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से YT स्टूडियो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास ये ऐप डाउनलोड है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। अगर आपके पास YT स्टूडियो ऐप नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो मैं अपने YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपने YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लिया है। YT स्टूडियो ऐप को ओपन करते ही यहाँ पर मेरे चैनल का डैशबोर्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे MBJ टैग जो चैनल है उसका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अपने टोटल व्यूज़ और अपना टोटल वॉच टाइम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटेंट का ऑप्शन मिल जाता है। कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने अपने चैनल पर जितने भी वीडियोज़ और शॉर्ट्स अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। अगर आपने कोई लाइव वीडियो बनाया है तो वो भी यहाँ पर आपको शो होगा। अगर आपने अपने चैनल पर प्ले लिस्ट को क्रिएट करके रखे हुए हैं तो वो प्ले लिस्ट भी यहाँ पर आपको शो होंगी। यहाँ आपको एनालिटिक का ऑप्शन मिल जाता है। एनालिटिक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। एनालिटिक के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ आपको रिसर्च का ऑप्शन मिल जाता है। रिसर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हम ओवरव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि 28 डेज में आपकी वीडियोज़ में कितने व्यूज़ आए हुए हैं। इसके अलावा आपके जो 28 डेज हैं उसमें आपकी वीडियो में कितना वॉच टाइम है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, और आपने कितने सब्सक्राइबर गेन किए हैं 28 डेज में वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब आपको यहाँ कंटेंट का ऑप्शन मिल जाता है। कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 28 डेज में आपकी वीडियोस पर कितने व्यूज आए हैं वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, और आपकी वीडियोस का जो इंप्रेशन है वो कितने लोगों के पास पहुंच रहा है वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके अलावा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपके जो टॉप की वीडियोस हैं उस पर कितने व्यूज़ आए हैं वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर वीडियो की सारी जानकारी मिली थी उसी तरीके से शॉर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो शॉर्ट्स हैं उस पर कितने व्यूज़ आए हैं। यहाँ पर आपको उसका फीडबैक भी मिल जाता है, कितने लाइक्स आए हैं वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। लास्ट 28 डेज पर आपके शॉर्ट्स पर कितने व्यूज़ आए हैं, सबसे ज़्यादा चलने वाला आपका शॉर्ट्स कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमने जो कम्युनिटी पोस्ट की है उसका इंप्रेशन कितने लोगों के पास पहुँच रहा है वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। कितने लाइक्स मिले हैं आपकी पोस्ट पर वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। आपको सब्सक्राइबर कितने गेन किए हैं वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, और जो टॉप इमेज पोस्ट हैं वो भी आपको यहाँ शो हो रही हैं, उस पर कितने लाइक्स हैं वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर ऑडियंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ऑडियंस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो आप पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, और जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर जैसे ही हम नीचे आते हैं इस तरीके का ग्राफ हमको देखने के लिए मिलता है। ये जो ग्राफ है इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किस समय पर एक्टिव होते हैं, किस एज के लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जेंडर का, कि हमारे वीडियो को मेल या फीमेल किस जेंडर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और हमारे वीडियो को किस देश में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है वो भी आपको यहाँ पर शो होता है। इस तरीके से इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए और आपको सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम यहाँ कमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। कमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी वीडियोस पर जितने भी कमेंट हैं वो यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे, और अगर आप चाहें तो अपने वीडियो पर जो आपके कमेंट हैं उन कमेंट पर यहाँ से आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके वीडियो पर जितने भी कमेंट आए हैं वो सारे कमेंट आपको यहाँ पर शो होंगे। अब आपको यहाँ अर्न का ऑप्शन मिल जाता है। अर्न के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अर्न के ऑप्शन पर क्लिक करते ही
आपके चैनल पर टोटल सब्सक्राइबर, टोटल वॉच टाइम और आपके जो शॉर्ट्स हैं उसमें टोटल कितना व्यूज़ आए हैं वो सब यहाँ पर आपको शो होते हैं। यहाँ से आप टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी अपने वीडियो की सारी जानकारी YT स्टूडियो ऐप से जान सकते हैं। इसी तरीके के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।